time I've searched for signs. Now I've turned the corner, you're standing before me. You're not what I thought I might find. I've never been shaken, never been confused, always protected all my affections, and only directions I choose. And all my intentions and all my best plans now come to rest in your hands. If I could fly, if I could soar, if I could rise up to heaven, unlock that door, I might finally stop. This world spins around, I would just to be with you now. I've never been shaken, never been shaken, never been confused, never been confused. I've always projected, always projected all my affections in only directions I. किस तरह की फिल्म है और इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इसका टाइटल भी इंग्लिश में है। टाइटल इंग्लिश में है लेकिन एक बहुत अच्छा टाइटल है, गुड अर्थ, यानी कि एक बहुत अच्छी धरती है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी जो मातृभूमि है या हमारी जो ये धरती है वो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अच्छी है। तो उस हिसाब से हमने अपनी फिल्म का नाम टाइटल रखा है, एक टाइटल गुड अर्थ रखा है, और जो कि ये फिल्म भी हमारी धरती से ही जुड़ी हुई है और ये बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, जो अपनी चिंता ना करते हुए दो प्रेमी अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए अपनी जान दे रहे हैं। आपका किरदार किस तरह का है इसमें? मैंने करीब 4 किरदार अलग अलग उसमें प्ले किए हैं, और इसमें मेरा एक मॉडर्न किरदार भी है और एक गांव वाली लड़की का भी करेक्टर है। मतलब डिफरेंट मेरे किरदार हैं उसमें, तो डिफरेंट मैंने प्ले किया है। कब हम थिएटर में देख पाएंगे ये फिल्म? हमारी हम नवंबर में रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी हम काफ़ी आउटडोर हमने काफ़ी दौरा किया था और इस फिल्म की हमने काफ़ी पब्लिसिटी की, तो एक अच्छे लेवल पे हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। कहानी के बारे में जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये कहानी हमारे ज़मीन से, हमारे गांव से जुड़ी हुई है, जो टाइटल से भी आपको लगता होगा, तो एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। इस तरह के आर्टिस्ट हैं इसमें, कब रिलीज होने वाली है? जो भी आर्टिस्ट हैं सब न्यू हैं, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर हैं और काफ़ी अच्छी उन लोगों ने एक्टिंग की है, और हमने कोशिश की है कि नए लोगों को लॉन्च करने की। फिल्म में मेरा किरदार एक मुस्लिम कैरेक्टर है, इसका नाम अली है। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का जो नाम है इंग्लिश में क्यों रखा है, क्योंकि अभी एक्चुअली एक ये मल्टीप्लेक्सेस के लिए बनाई आपने, तो पूरे हिंदुस्तान में
पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया है, गाँव के लोग देखें, क्योंकि एक स्टोरी गाँव से, विलेज की स्टोरी है, और एक्चुअली गाँव के लोग ही शहर में आते हैं, शहर के लोग गाँव में नहीं जाते, तो इसलिए सबके लिए है, मल्टीप्लेक्स में चलेगी, हर जगह चलेगी। तो गुड अर्थ जो टाइटल है ये बहुत ही इंटेलिजेंट टाइटल है और बहुत अच्छा टाइटल है। आज सुनीता जी का बर्थडे है और अभी अभी मुझे खबर मिली कि सुनीता जी जो है इसको प्रोड्यूस कर रही है, तो बहुत खुशी की बात है। एस यू सैयद साहब जो हैं वो हमारे बहुत ही, मतलब जब हम स्ट्रगल करते थे जिस ज़माने में, यानी कि हम 70s की बात करते हैं, उस वक्त सैयद साहब अपने उरूज पर थे और हम सैयद साहब से हर बार मिलते थे और कहते थे सर एक चांस। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि सैयद साहब फिर से जो है वो मार्केट में आ गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं, एंड आई विश कंप्लीट यूनिट ऑल द बेस्ट, और हम जो है वो कामयाब हों इस फिल्म में, क्योंकि फिल्म का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, बहुत पैसे लगते हैं और बहुत मेहनत लगती है फिल्म कंप्लीट होने में, एंड मेरी पूरी दुआएं इस फिल्म के साथ हैं। थैंक यू। मां कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, अगली लाइन तो सुनो, सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, मां कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, वो घायलों को लेकर जाती है, तुम घायल करके जाती है। तुझ पे खत्म